अभी देखो क्या हो गया, पूरी गाड़ी रोड पे ऐसे ऐसे घूम गई और पूरी पीछे से यहाँ पे लगी है। और देखो क्या हाल हो गया इसका, देखो नीछे से पूरी। शादी कब कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में, जो कि आप लोगों को पता है कि सौरभ जोशी का कार हो गया एक्सीडेंट, वो यानी कि मरते मरते बच गए सौरभ जोशी। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं हम, क्या टेक बर्नर का शादी हो रहा है इसके बारे में जानने वाले। तो चलिए बिना देरी की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अक्रम और आप देख रहे हैं अक्रम तक चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सौरभ जोशी ब्लॉगिंग करते करते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते जाते उसका एक्सीडेंट, इतना ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है जो कि आप लोग देख कर ना हैरान हो जाएंगे। क्या ही मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देख लीजिए। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखो, पता नहीं क्या हुआ, टायर फटा, क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ समझ में नहीं आया एकदम से। क्या करें अब गाइस, यहाँ पे ठुकी है, देखो पीछे पीछे से लगी है, यहाँ पे पीछे से। भाई देखो कैमरे से निकाला मैंने अभी, 100 की स्पीड पे थी हमारी गाड़ी, 100 की स्पीड पे हाईवे पे। और ये देखो, ये घूमी, ये घूमी, ये घूमी, ये ऐसे घूमी एकदम से, ये देखो दोबारा घूमी। भाई ये बाइक वाला बच गया, ये गाड़ी वाला बच गया, ये बाइक वाला बच गया भाई, ये बच गए भाई, और हम भी बच गए। पीछे वाला कैमरा, ये घूमी, ये ठुकी, बच गए भाई नीचे गिरते। एक बार पीछे आगे फिर आगे आगे, वो तो अच्छा होगा पीछे। पता नहीं एकदम से क्या होगा, ना आगे कोई आया, मेरे को लग रहा है टायर ही फटा है, तभी एकदम से गाड़ी ऐसे हुई और पीछे से लगी। वो तो इसने रेलिंग ने बचा लिया हमको। तो जैसे कि आप लोगों ने इस क्लिप को देखी लिया, आप लोगों को पता चल गया कि सौरभ जोशी एक्सीडेंट होते होते मतलब मरते मरते बच गए। अगर वहाँ पे गिर जाता नीचे तो गारंटी था किसी ना किसी को चोट जरूर आता, लेकिन बचा लिया अल्लाह ने, बचा लिया ऊपर वाले ने सौरभ जोशी और उसके फैमिली को। तो चलिए और बात करते हैं टेक बर्नर के बारे में। क्या आप लोग को पता है टेक बर्नर शादी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसको लेकर टेक बर्नर ने कुछ ऐसा कहा है जो कि आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। पाठक जी पूछ रहे हैं शादी कब कर रहे हो? 31st इनविटेशन तब के बाद। आपकी जीएफ का नाम मस्तानी माशा उर्फ राम प्यारी पोपन के लिए, लव यू डार्लिंग। होता क्या है देखो, मम्मी पापा को इसलिए थोड़ा सा कम दिखाता हूँ क्योंकि ये लोगों के सामने आके बातें बातें करने का डिसीजन मैंने लिया। मम्मी पापा गर्लफ्रेंड उनको थोड़ा सा आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा सा दूर रखनी है। पता चली गया होगा कि किसी ने Q&A में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब क्या ही दिया है आप लोग को पता चली गया होगा कि कब शादी हो रहा है, उसका उसका डेट बता ही दिया है। तो चलिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सलाम अलैकुम। डोरा देखिए डोरा।